हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप मॉड्यूल 4 शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, उसके रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है उसके बारे में पढ़ा हमने, उसका वर्क डन का फॉर्मूला देखा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखा और जितने भी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने वो चीज़ देखी। फिर हमने इंडिकेटर डायग्राम देखे, पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण जो इंडिकेटर डायग्राम में फ़र्क आता है हमने उसके बारे में देखा, हेड लॉस जो होता है वेलोसिटी के चेंज होने के कारण डिलीवरी पाइप्स और सक्शन पाइप में उसका इफेक्ट इंडिकेटर डायग्राम में कैसे होता है, ये सब चीजें हमने प्लॉट की। तो हमने इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे दो टॉपिक्स बचेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, वो होगा, एक होगा हमारा मैक्सिमम स्पीड रेसिप्रोकेटिंग पंप का, क्योंकि इसकी भी एक मैक्सिमम स्पीड हमें रखनी पड़ती है, वो क्यों हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा एयर वेसल्स, एयर वेसल्स के बारे में हमें पढ़ना है, वो लास्ट टॉपिक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का। और एयर वेसल्स के बारे में बहुत सारी चीजें होती है, उसके डेरिवेशंस भी थोड़े से बड़े होते हैं, बट वो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि जनरली उसमें प्रेशर हेड निकालना पड़ता है हमें सिलेंडर के अंदर का, वही एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम स्पीड के ऊपर बात करेंगे, किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मैंने यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली वाली फर्स्ट लाइन देखते हैं कि हमें मैक्सिमम स्पीड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की फिक्स करना जरूरी क्यों है। वो इसलिए जरूरी कि आप देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है ऐसे ऐसे। अब यदि ये बहुत स्पीड से रेसिप्रोकेट करने लग जाएगा तो क्या होगा, वाटर का कॉन्टैक्ट ही छोड़ देगा। आप देखिए कि उसको क्या करना है, एक अपने आधे स्ट्रोक में क्या करना है, सक्शन करना है, और अगले में उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। यदि ये बहुत स्पीड से मूव करने लग जाएगा तो क्या करेगा, वो वाटर कॉन्टैक्ट, यदि उससे वाटर कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ तो वो कैसे वाटर डिलीवर करेगा। तो इसलिए हमें एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि कितने स्पीड से वो रेसिप्रोकेट करेगा, ताकि वाटर का कॉन्टैक्ट उससे मेंटेन रहे। यदि ज्यादा स्पीड से वो रेसिप्रोकेट करने लग गया तो वो क्या करेगा, वाटर का कॉन्टैक्ट ही छोड़ देगा और अपना ही रेसिप्रोकेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम स्पीड तय करना जरूरी होता है कि इससे ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की मैक्सिमम स्पीड ना हो, वरना क्या हो जाएगा, सेपरेशन होने लग जाएगा। वाटर कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है मतलब एक प्रकार का क्या होगा, वहां पर फ्लो सेपरेशन की कंडीशन होने लग जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये सब चीज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि हम कैसे मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की एक्सप्रेशन से, वही चीज हम देखेंगे। तो मैंने यहां पे फर्स्ट लाइन लिखी है P/ρg। P/ρg क्या होता है हमारा, यही क्या होता है, एच होता है, हेड है एक प्रकार का, तो और ये कौन सा हेड है, प्रेशर हेड है। ठीक है, तो यदि P/ρg मतलब प्रेशर हेड किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर का, ठीक है, ड्यूरिंग सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर हेड बना रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, दोनों स्ट्रोक की बात करें हम, सक्शन और डिलीवरी की, तो वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होना चाहिए या लिमिटिंग केस माने तो बराबर होना चाहिए, किसके, PV/ρg मतलब वेपर प्रेशर हेड के। ये क्या है, वेपर प्रेशर, रोजी से डिवाइड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, हेड किसका, लिक्विड का, जो लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर ही यूज कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप, SP और DP। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, कि जो भी सिलेंडर के अंदर प्रेशर हेड डेवलप हो रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किसके, जो लिक्विड है उसके, वेपर प्रेशर हेड के। तभी तो कैविटेशन होता है, वेपर प्रेशर के नीचे चले जाता है प्रेशर, तभी कैविटेशन होता है, ये सब चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं। तो ये क्या है, जरूरी है। अब आप देख सकते हैं ये वाला कब कंडीशन आ सकती है, जब सक्शन स्ट्रोक होता है, तो आप देखेंगे कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, नीचे स्वयं में क्या लगते रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते रहता है। तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, तो वो इतना कम ना हो कि वो वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। यदि वेपर प्रेशर से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होने लग जाएगा और फ्लो सेपरेशन की भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी ये है कि जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड है, एच से डिनोट करें या P/ρg से डिनोट करें, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर हेड लिक्विड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि यदि क्या हुआ, वेपर प्रेशर हेड सिलेंडर के, मतलब सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर हेड है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर हेड से कम हो गया, तब यहां देखिए, इफ PV/ρg मतलब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड वेपर प्रेशर हेड से कम हो गया, तो क्या होगा, जो लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व रहेंगे, तभी मैंने लिखा है डिसॉल्व गैसेस इन लिक्विड विल बी लिबरेटेड। ऑब्वियसली बात है, वेपोराइज होगा तो जो भी उसके अंदर कुछ भी डिसॉल्व है या लिक्विड खुद क्या हो जाएगा, वेपोराइज होने लग जाएगा। इसी कारण क्या होगा, कैविटेशन प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वेपोराइज होगा तो क्या हो गया, वेपर बबल्स बनने लग जाएंगे, हाई प्रेशर रीजन में जाके वो क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, शॉक वेव पैदा होती है, इसी से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, किसकी, कैविटेशन की। तो यदि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड वेपर प्रेशर हेड से कम हो गया तो क्या होगी, कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, अब
फ्लो सेपरेशन की बात करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में फ्लो सेपरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड नॉट पॉसिबल इन आरपी, मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप। मतलब ऑब्वियसली बात है, एक में वो सक करेगा फिर वो करेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स थोड़ी ना है जो कंटिन्यू उसमें क्या करेगा, कॉन्टैक्ट बना के रखेगा। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड एकदम ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, लिक्विड का सेपरेशन होता है यहां, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सो सेपरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस। लिक्विड का सेपरेशन हो गई, हल्का सा भी कॉन्टैक्ट छूटा तो क्या होगा, वो एयर को क्या करने लगेगा, अलग हेड पैदा करने लग जाएगा, और यदि कॉन्टैक्ट छूट गया तो क्या हो जाएगा, फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सेपरेशन हुआ, उस कंडीशन का जो प्रेशर होता है, और उसको रोजी से डिवाइड कर दे तो जो हेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन प्रेशर और सेपरेशन हेड, ठीक है। ये क्या होगा, उस कंडीशन का जब लिक्विड कॉन्टैक्ट छोड़ दे रहा है वाटर का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उस कंडीशन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा हमारा, सेपरेशन प्रेशर होगा, और उसी हेड को हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन हेड बोलेंगे, ठीक है। अब यदि हम वाटर के लिए बात करें तो एज सेपरेशन, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सेपरेशन हेड है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, मतलब 7.8 मीटर होनी चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, और बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा वो होने लग जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे 7.8 मीटर्स लिखा है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी, हमने इंडिकेटर डायग्राम में देखा है, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसके नीचे हम मेजर करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वो मेन डिफरेंस क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसलिए हम यहां पे बोलते हैं 7.8 मीटर नीचे आएगा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या है हमारा, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं, या हम इस वैल्यू को नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, ये वैक्यूम प्रेशर ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गेज में। यदि हमें एब्सोल्यूट में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, 10.3 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यही लिमिट क्या होती है हमारी, 10.3 होती है ना, इससे माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, या आप नीचे से, ये एब्सोल्यूट वाली लाइन है, या आप नीचे से गिन लें सिंपली, जैसे हम अपना प्रेशर करते हैं, तो क्या करेंगे हम 10.3 से 7.8 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.5 आएगा। अब ये जो यूनिट होगी ये किस में होगी, एब्सोल्यूट में होगी। ऊपर वाली क्या है, 7.8 मीटर नेगेटिव बोले या बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले, वो गेज में होगा, ये वाला क्या है हमारा, एब्सोल्यूट में। तो ये क्या होती है, हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है इसकी, सेपरेशन हेड की। अब जनरली क्या है, ये जो सेपरेशन हेड की वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। प्रेशर हेड से ही हम क्या करेंगे, पूरा चीज करते हुए आएंगे। अभी हम सेपरेशन में आए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हम एक्सेलरेटिव हेड निकालते थे, मतलब पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण जो प्रेशर हेड में वेरिएशन आता है, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि उसी की इक्वेशन में क्या आता है हमारा, ओमेगा आता है, और वहीं ओमेगा से क्या निकल जाएगा हमारा, एन मैक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फ्लो सेपरेशन के बारे में। अब चलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारी मैक्सिमम स्पीड किसके लिए, सक्शन स्ट्रोक के लिए। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी रेसिप्रोकेटिंग पंप की मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, और यदि हमें कभी न्यूमेरिकल्स में पूछता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेन ये जानना जरूरी है कि जो सेपरेशन है वो होता किस पॉइंट में, ठीक है। तो आइए, मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये इंडिकेटर डायग्राम में मैंने क्या कंसीडर किया है, जो पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण जो प्रेशर हेड में डिफरेंस होता है, सिर्फ मैंने उसी को कंसीडर किया है, ठीक है। यदि हम यहां पे एक पैराबोला बना दे तो वो क्या हो जाएगा, एक और चीज कंसीडर कर लेगा, जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है उसके कारण जो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में हेड लॉस का वेरिएशन होता है वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, मगर इस केस में हमें जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन की बात नहीं देखेंगे हम। हमें, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एक्सेलरेटिव हेड जो सेटअप होता है सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक में, हमें मेन इसकी जरूरत है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि फ्लो सेपरेशन होगा कहां, तो फ्लो सेपरेशन कहां होता है, एक तो हमारा जो सक्शन स्ट्रोक है, अब यदि हम थीटा की बात करें तो यहां पे क्या होता है, थीटा 0 डिग्री, बीच में क्या हो जाता है 90 डिग्री, और आगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहीं से शुरू होगा, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री। तो यदि हम बात करें कि पहले सक्शन स्ट्रोक में बात करते हैं, ये वाला क्या है हमारा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, एस एस, उसको स्मॉल फॉर्म से हम डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं
प्रेशर सबसे ज्यादा कहां कम हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक में। यहां तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास है। अब यहां देख सकते हैं कि एचएस से भी ज्यादा और एक्सेलरेटिव हेड सेटअप होने के कारण सक्शन पाइप में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एचएटीएम है, मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा कम कहां हो रहा है, इसी पार्ट में हो रहा है, मतलब जब थीटा क्या है 0 डिग्री है यहीं पर हो रहा है। मतलब जैसे ही रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट होगा, अपने सक्शन स्ट्रोक शुरू करेगा, उसी टाइम क्या होगी, फ्लो सेपरेशन होने की चांसेस रहेंगे। तो एक जगह किधर होगी, एक जगह यहां पे होगी, ठीक है। मतलब थीटा 0 डिग्री में या सक्शन हेड के फर्स्ट हाफ में क्या होगा, हमारा कैविटेशन की प्रॉब्लम आएगी। अब उसके बाद ये किसमें हुआ, ये सक्शन स्ट्रोक में होगी। यदि हम डिलीवरी स्ट्रोक में बात करें कि डिलीवरी स्ट्रोक में कैविटेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, तो फिर आप देखते हैं प्रेशर। जब थीटा 0 डिग्री है, डिलीवरी स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे तो बहुत प्रेशर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए आप, प्रेशर कम हो रहा है, इसी पॉइंट पे हमारा प्रेशर कम हो रहा है। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, मगर यहां पे क्या होगा, फ्लो सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा ना हो जाए। इधर यदि बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ और इधर कम प्रेशर हो गया तो क्या होगा, सेपरेशन होगा, यदि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जो डिलीवरी स्ट्रोक है उसमें क्या होता है, जब थीटा 180 डिग्री होगा ना, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फ्लो सेपरेशन होगा। मतलब सक्शन स्ट्रोक के थीटा 0 डिग्री में सेपरेशन होता है, और डिलीवरी स्ट्रोक के एंड में, या सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में, डिलीवरी स्ट्रोक के एंड में क्या होता है, हमारा फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक में मैक्सिमम स्पीड। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि P/ρg ये क्या है, सिलेंडर का प्रेशर हेड है, ठीक है, ज्यादा ही होना चाहिए वेपर सेपरेशन हेड के, ठीक है। लिमिटिंग मानते हैं कि इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा किसके, HSEP, मतलब ये क्या है, सेपरेशन हेड, ये क्या है, सिलेंडर हेड है, और ये क्या है, सिलेंडर के अंदर का हेड, और ये क्या है, सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन हेड है उसका लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, हम यहां से निकाल लिए, यहां हमें क्या रहेगी, क्वेश्चन में गिवन भी रहेगी। हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड कितना है, ठीक है। ये कैलकुलेट हम किससे करेंगे, इंडिकेटर डायग्राम्स की मदद से करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, फ्लो सेपरेशन कहां होता है, थीटा 0 डिग्री में होता है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है, हमारा पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये इतना जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं क्या है, HS, ठीक है, हम प्रेशर जा रहे हैं, और माइनस क्या है, HAS। तो इसका मतलब क्या होगा, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस सक्शन हेड, और फिर उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, HAS, मतलब जो पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण हेड सेटअप होता है सक्शन स्ट्रोक में उसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, H सेपरेशन को हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो माइनस HS, ये क्या है, सक्शन लिफ्ट कितना ऊपर पंप प्लेस है वही बताता है, और इस जो ये HS की वैल्यू है, हम स्टार्टिंग थीटा 0 डिग्री का देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब HS प्लस क्या हो जाएगा, HAS, एक्सेलरेटिव हेड जो सेटअप होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस HAS, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, HAS की वैल्यू क्या है, हमारी नेगेटिव है, ये दोनों तो नेगेटिव होगा, इधर हम प्लस ले लें, यदि नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, HATM से तो दोनों माइनस ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलिए इसको आगे देखते हैं तो सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये HAS क्या है, अभी नेगेटिव वैल्यू है, इसको इधर ले आते हैं और सेपरेशन को वहां दे देते, सेपरेशन हेड को यहां दे देते, तो क्या हो जाएगा, HAS इक्वल टू क्या हो जाएगा, HATM माइनस HS माइनस HSEP, ठीक है, सेपरेशन हेड। अब यदि हम बात करें, कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमें सक्शन हाइट की तो वैल्यू हमेशा गिवन ही रहेगी, और जो भी सेपरेशन का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए, तो वहां पे आपको H सेपरेशन की भी वैल्यू गिवन रहेगी क्वेश्चन में, नहीं भी गिवन रही, यदि आपको बिना एज्यूम करके बनाना है तो आप मान लीजिएगा 2.5, ठीक है, एब्सोल्यूट में लीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगी, तो 2.5 मान लीजिएगा जहां नहीं गिवन रहेगी, मगर हम तो जो भी क्वेश्चन बनाएंगे और यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी क्वेश्चन है वहां पे वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या है, हमारी क्या आ गई, ये क्वेश्चन आ गई, मतलब एक्सेलरेटिव हेड क्या निकल गया सक्शन स्ट्रोक में, HATM माइनस HS माइनस H सेपरेशन, तो ये दोनों वैल्यू हमें गिवन रहेगी। ये जो HAS है इसका एक्सप्रेशन हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी वैल्यू डालेंगे, HATM तो दिया ही रहेगा, HAS निकाल लेंगे,
और इस एच ए एस की मदद से हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। अब देखते हैं हमारा एच ए एस क्या होता है। एच ए एस क्या है, पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण जो हेड डेवलप हो रहा है एक्स्ट्रा किसमें, सक्शन पाइप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल एस बाई जी, ठीक है। ये एल एस क्या है, लेंथ है किसकी, सक्शन पाइप, इंटू ए बाई ए एस, ठीक है। बड़ा वाला ए क्या है, पिस्टन के अंदर का एरिया है, और स्मॉल ए क्या है, जो पाइप है सक्शन पाइप उसका एरिया है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, यही होती है हमारा एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटिव हेड का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटिव हेड की वैल्यू। इसी को हम डिराइव किए हैं अपने पुराने वीडियोज में। यदि आपको लगता है कि ये कैसे डिराइव हुआ है तो आप जाके हमारे पुराने वीडियोज में देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डिलीवरी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी, मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री में क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। मतलब इस इतने टर्म का हमें टेंशन ही नहीं लेना है, मतलब बस इतना ही टर्म आएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो एच ए एस इधर हम क्या निकाले हैं, एच ए टी एम माइनस एच एस माइनस एच सेपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एस बाई जी, लेंथ है किसकी, सक्शन पाइप की, इंटू एरिया सिलेंडर का डिवाइड में एरिया किसका, सक्शन पाइप का, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा मेन एक्सप्रेशन। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, यदि हमें किसी पंप की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, वो कैसे, यहां पे यदि मैं ओमेगा को देखूं तो मेरा ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर तो है ठीक है, मगर क्या होगा, टू पाई एन बाई 60, यही होगा हमारा ओमेगा की वैल्यू, यही होती है। अब यहां पे जो एन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है। तो ये जो एन निकलेगा यहां से, सारी वैल्यूज पता है, हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू के अंदर एन आएगा। अब जो ये हम एन कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देगा मैक्सिमम स्पीड, सक्शन मतलब सक्शन स्ट्रोक में हमारी कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, फ्लो सेपरेशन ना हो या कैविटेशन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस एन को कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी हम ऐसे ही करेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की, मगर एक किस पॉइंट के लिए है, सक्शन स्ट्रोक के लिए। अब हम क्या करते हैं, सेम ऐसी क्या करते हैं, हम डिलीवरी स्ट्रोक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम क्या, अपनी मैक्सिमम स्पीड किसमें, ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जैसे हमने पिछले के लिए शुरुआत करी, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड देखते हैं। तो P बाई रो जी किसके अंदर का रहेगा, ये सिलेंडर का एब्सोल्यूट में रहेगा, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, एच सेपरेशन हेड के, ठीक है, सेपरेशन हेड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि ज्यादा हुआ तो मोर हुआ तो और बढ़िया है, ठीक है, बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू रहेगी, ठीक है। ज्यादा हुआ तो बढ़िया है, बराबर हुआ तो लिमिटिंग वैल्यू रहेगी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि यहां पे सेपरेशन कहां होगा, 180 डिग्री में होगा। तो क्या करते हैं, हम यहां से सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकाल लेते हैं, किसकी मदद से, इंडिकेटर डायग्राम की मदद से। ये वाले हिस्से को देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऐड होगा क्या, हमारा डिलीवरी हेड, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा एच ए डी, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऐड होगा हमारा क्या, डिलीवरी हेड, और उसके बाद माइनस हो जाएगा क्या, एक्सेलरेटिव हेड, एच ए डी होगा ये, ठीक है। ये किसके बराबर होगा हमारा, एच सेपरेशन हेड के बराबर। सेम वैसे ही करते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, इसको वहां दे देते हैं, तो हमारा एच ए डी कितना हो जाएगा, जैसे हमने पिछले इससे आगे ओमेगा की वैल्यू निकाली, सेम यहां पे भी कैसे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एच ए टी एम प्लस डिलीवरी हेड, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच सेपरेशन, ठीक है। ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस एच डी प्लस, और क्या होगा, एच सेपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, माइनस एच सेपरेशन। अब उसके बाद सेम यहां पे
हमें ये तो पता होगा ना कि पानी कहाँ तक डिलीवर करना है, तो डिलीवरी हेड तो हमें पता ही होगा, और एच सेपरेशन की भी वैल्यू क्या रहेगी, हमें गिवन रहेगी, एच एटीएम भी पता रहेगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, एच एडी निकाल लेंगे। अब जब हमें एच एडी मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसे इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं अब हमारे एच एडी की इक्वेशन, देखते हैं कि एच एडी कितना होगा। तो इसका क्या होगा, एल डी होगी लेंथ, ठीक है, जी इंटू एरिया सिलेंडर का, और यहाँ जैसे पिछले में सक्शन पाइप का एरिया था, यहाँ पे क्या होगा, डिलीवरी पाइप का एरिया होगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जब कॉस की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है, तो किसी का ये डाउट हो सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो जब हम इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव इक्वेट करना चाहिए, नहीं, मगर जब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे किसकी, थीटा क्या लेंगे हमारा, 180 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे हम। क्यों नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है, जब हम डायग्राम से हेड निकाल रहे थे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हम नीचे जाके ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार हम क्या कर चुके हैं, उसका इफेक्ट कंसिडर कर चुके हैं। अब क्या होगा, सिंपली इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे दोनों से, तो देखते हैं क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, एल डी बाई जी इंटू ए बाई ए डी ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एच ए टी एम प्लस एच डी माइनस एच सेपरेशन, ठीक है, यही वाला हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला। इसी एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं, किसमें, डिलीवरी स्ट्रोक में, कि पंप की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी डिलीवरी स्ट्रोक में जिसमें सेपरेशन नहीं होगा, और वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए यहां पे भी ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2πN/60, ठीक है, स्क्वायर में तो रहेगा ही वो, ठीक है, और यहां का जो हमें एन मिलेगा ये क्या मिलेगा हमें, मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड हमें यहां से मिलेगी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से। तो अब ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे जब वो डिलीवरी स्ट्रोक में आपको निकालने बोलेगा, सक्शन स्ट्रोक में निकालने बोलेगा, तो आप जो इसका जस्ट पिछला वाला है वो यूज करेंगे। अब उसके बाद किसी क्वेश्चन में आपको दोनों की स्पीड निकालने बोला कि आप मैक्सिमम स्पीड निकालिए डिलीवरी स्ट्रोक में भी और सक्शन स्ट्रोक में भी, फिर बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो अब जैसे मैं मान लेता हूं कि एन मैक्सिमम मेरा निकल गया किसमें, सक्शन स्ट्रोक में, और दूसरा मेरा एक और एन मैक्स निकला डिलीवरी स्ट्रोक, तो इन दोनों की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम क्या लेंगे, उसको अपनी मैक्सिमम स्पीड लेंगे। मान लेते हैं कि जो हमारा सक्शन स्ट्रोक का जो एन मैक्स निकला वो क्या निकला, छोटा निकला किसके मुकाबले, एन मैक्स डिलीवरी स्ट्रोक में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो दोनों केस में हम मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, जो उनकी सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, हमारी मेन मैक्सिमम स्पीड ले लेंगे किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की, क्योंकि बड़ी वैल्यू ले ली तो इसको क्रॉस कर देगा ना वो, ठीक है। तो इसी से हम क्या करते हैं, हमारी मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं। न्यूमेरिकल्स को भी जब हम बनाएंगे इस टॉपिक के, तो सेम वो ऐसी बनने वाला है, सारी चीजें ऐसी ही बनेगी, हम हर बार यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एयर वेसल के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल में, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, एयर वेसल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकली चीजें होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप से भी थोड़ी बड़ी होती है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की जितने भी हमने एनालिसिस किया है उसमें वो थोड़ा कम है, मगर एयर वेसल का क्या रहता है, उसमें यदि आप कैलकुलेट करने जाएंगे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड, तो टर्म्स थोड़ी बड़ी होती है, मगर यदि कोई अच्छे से समझे और हम अच्छे से पूरी इक्वेशन को लिख के समझते जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक्सप्रेशन थोड़े से बड़े रहेंगे, मगर आपको एकदम ईजिली सारी चीजें समझ में आती है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक एयर वेसल्स को शुरू करते हैं। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, फिर डबल एक्टिंग के बारे में भी देखेंगे जिसमें एयर वेसल लगे रहती है, ठीक है। तो यदि हम एयर वेसल की बात करें तो एयर वेसल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो उसका चेंबर कैसा होता है, कैसी होती है एयर वेसल, फिर जब हम उसको फिट करते हैं तो उसका फिट करने से हमें क्या फायदा मिलता है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये क्या है हमारी एक प्रकार की क्या है, एयर वेसल है, ऐसी रहती है। यदि मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में दिखाऊं तो यहां पे ऐसे पंप में लगाते हैं हम इसको, सेम ऐसे प्रकार का एयर वेसल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
देखिए ग्रीन जो रंग है वो क्या शो कर रहा है, वाटर शो कर रहा है। तो वाटर क्या करता है, वाटर इसमें अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। ये क्या है, ऐसे किसी पाइप से कनेक्टेड रहती है। अब यदि वाटर इसमें अंदर आएगा तो ऊपर में क्या रहती है, नॉर्मल एयर रहती है। तो एयर क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। जो ब्लैक वाली चीजें है वो क्या है, हमारी एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है। तो आप देख सकते हैं जब वाटर अंदर आएगा तो एयर क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, और जब वाटर बाहर जाएगा तो एयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी। ये एक इस प्रकार का चेंबर रहता है। ये क्या करता है, यदि किसी पाइपलाइन में प्रेशर स्विंग हो रहा है, यदि मान के चलो डिस्चार्ज वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर गई, प्रेशर बहुत स्विंग कर रहा है और डिस्चार्ज में वेरिएशन आ रहा है, तो ये क्या करता है, मदद करता है। यदि पाइप में प्रेशर कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, इधर की एयर एक्सपैंड हो जाएगी और थोड़ा लिक्विड दे देगा, और यदि पाइप में प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, कुछ लिक्विड ले लेगा, तो वो जो प्रेशर रहेगा वो थोड़ा सा एयर को भी कंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसा चेंबर हम लगाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में हम कहाँ लगाते हैं, एकदम क्लोज में लगाते हैं, सक्शन पाइप में और डिलीवरी पाइप में, सिलेंडर से पास में, ताकि क्योंकि वहीं सिलेंडर के अंदर ही मेन क्या होगा, प्रेशर स्विंग होगा, उसी को रेगुलेट करने के लिए एक प्रकार का क्या रहता है, ये क्लोज चेंबर रहता है। ठीक है, अब वही जैसे मैंने बोला, जब लिक्विड एंटर करेगा तो एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी एयर वेसल में, और जब लिक्विड फ्लोज आउट मतलब जब बाहर निकलेगा तो एयर क्या होगी, एक्सपांड होगी। इसी से क्या होगा, हमें जो प्रेशर का जो वो है वेरिएशन है वो हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब एयर वेसल की मेन आगे की, इसको फिट कहाँ करते हैं हम। तो इसको हम फिट कहाँ करते हैं, क्लोज टू सिलेंडर इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, मतलब सिलेंडर के एकदम पास में हम इसको फिट करते हैं, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में। ठीक है, मेन यदि पर्पस देखें इसका कि ये क्या पर्पस सर्व करता है, तो क्या करता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट में हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, थोड़ा लिक्विड इसमें चले जाएगा और एयर को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। अब यदि प्रेशर कम हुआ पाइपलाइन में तो क्या होगा, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्लो आउट होके बाहर अपनी पाइपलाइन में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें सप्लाई मिलेगी लिक्विड की और यूनिफॉर्म फ्लो रेट में, मतलब क्योंकि प्रेशर वो अच्छे से मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब मेन फायदा क्या होता है कि जो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, उसमें क्या करता है, ये जो हमारा हेड लॉस इन फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस HF। ये HF क्या है, हमारा हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। ठीक है, अब ये कैसे करता है कि ये क्या करता है, जब यदि इसको हम किसी पाइपलाइन या रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लगा दें तो ये क्या करेगा, जो उसकी वेलोसिटी है ना वो ज़्यादा वेरी करने नहीं देगा, मतलब एक मीन वेलोसिटी से फ्लो करवाएगा, जहाँ पे लगे रहेगा उसके नीचे की पाइपलाइन में क्या करेगा, ये एक मीन वेलोसिटी मेंटेन कर देगा। तो यदि वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है तो आप देखते हैं हेड लॉस के फॉर्मूले में वी का भी टर्म आता है, 4FLV² / 2GD। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है तो हमारा HF भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम वेलोसिटी को कम करेंगे तो हमारा हेड लॉस इन फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो हेड लॉस इन फ्रिक्शन को ये क्या करता है, सेव करता है। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत सारा वर्क हमारा बच जाता है। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम चलाने के लिए वर्क देते हैं उसे, और यदि हम वर्क दे रहे हैं और हमारा थोड़ा सा भी वर्क बच जा रहा है तो इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा। ठीक है, तो एयर वेसल की मदद से क्या होता है, हमारा हेड लॉस फ्रिक्शन दोनों पाइप, डिलीवरी पाइप सक्शन पाइप दोनों में क्या होता है, कम हो जाता है, और जिससे हमारा वर्क जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेव हो जाता है। अब इसका एक और मेन फायदा क्या रहता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है टू रन पंप एट हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन। अब ये क्या हमें फायदा करता है, यदि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है, जैसे हमने मिनिमम, जैसे इसके जस्ट पिछले वाले टॉपिक में ही हमने पढ़ा था जब हम पंप की मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे थे, यदि पंप बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट करेगा तो वो क्या करेगा, वाटर से अपना कॉन्टैक्ट ही छोड़ देगा। मतलब मान के चलिए वो अपने सिलेंडर में ही बहुत तेजी से चल रहा है और वाटर ना तो सक कर रहा है ना डिलीवर कर रहा है, तो इससे क्या होगा, फ्लो में सेपरेशन आएगा, मतलब अंदर सेपरेशन आ जाएगी, जैसे हमने पिछले टॉपिक में ये चीज के बारे में देखा। तो एयर वेसल क्या करता है, एयर वेसल क्या करता है, सेपरेशन ना होने में मदद करता है। कैसे, यदि इसको हम किसी पाइपलाइन में फिट कर देंगे तो ये क्या करेगा, अपना भी एक प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, किसमें, रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो उससे क्या होगा, वाटर जल्दी क्या करेगा, कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा। यदि प्रेशर स्विंग होने के कारण वाटर कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो क्या होगी, सेपरेशन की प्रॉब्लम होगी। तो एयर वेसल क्या करता है, हमारा वाटर सेपरेशन में भी बहुत मदद करता है, कि मतलब सेपरेशन की प्रॉब्लम ना हो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में। अब यदि सेपरेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हम पंप को बहुत हाई स्पीड से चला सकते हैं। तो यही मेन फायदा करता है, यदि हम एयर वेसल लगाते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो हमारा, हम हाई स्पीड से अपने पंप को चला सकते हैं विदाउट सेपरेशन। ठीक है, तो ये सब मेन चीज क्या होती है, ये मेन डेफिनेशन होता है और मेन पर्पस होता है किसका, एयर वेसल का। अब हम क्या देखते हैं, एयर वेसल के बारे में देखते हैं कि जब इसको हम सक्शन पाइप में लगाते हैं और डिलीवरी पाइप में लगाते हैं तो ये वर्क कैसे करता है।
ठीक है, दोनों स्ट्रोक की हम बात करेंगे। इसमें क्या रहता है, ये जानना जरूरी रहता है कि जब पिस्टन का मूवमेंट कहां से कहां रहेगा तो ये एयर वेसल से वाटर फ्लो आउट होगा या वाटर उसके अंदर जाएगा, ये चीज जानना यहां पे जरूरी रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहले हम सक्शन स्ट्रोक में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, बीच वाला हमारा पिस्टन है। हम क्या कर रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, मतलब थीटा तो जीरो से कितना जाएगा, 180 डिग्री में ही जाएगा ऐसे करके। तो सिलेंडर की पहली पोजीशन कहां रहेगी, यहां रहेगी पिस्टन की पोजीशन, और ये क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ मूव करेगा, तो वो क्या रहेगा, हमारा सक्शन स्ट्रोक रहेगा, और क्या करेगा, वाटर सक करेगा। तो अब हम इस स्ट्रोक में बात कर रहे हैं कि एयर वेसल कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब हम एक और चीज ये भी जानते हैं कि ये जो पिस्टन का मोशन रहता है, एक प्रकार का हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, तो क्या रहता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में वेलोसिटी जीरो होती है, एंड पॉइंट में वेलोसिटी जीरो होती है, बीच में क्या होती है, वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। ठीक है, किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ये पिस्टन की। तो इसी कारण हमने देखा कि एक्सेलरेशन आता है, और इसी एक्सेलरेशन के कारण ही तो एक एक्सेलरेटिव हेड सेटअप होता है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आया है। ठीक है, तो इसी एक्सेलरेशन के कारण ही यहां पे होगा। अब यदि हम सक्शन स्ट्रोक में बात करें तो पिस्टन यहां से कहां जाएगा, अपनी ये वाली पोजीशन तक जाएगा, तो फर्स्ट क्या करेगा, वो आधे तक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तभी तो वेलोसिटी मैक्स हो जा रही है, एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद जब अपना फर्स्ट हाफ, ये जो पूरा पोर्शन है थीटा 180 से 90 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, हम 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, तो जो पहला हाफ रहेगा 0 से 90 तक, तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद जो अगला हाफ रहेगा कहां से, 90 से लेके 180 डिग्री तक, तो वो क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा। तभी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस एट पॉइंट में जीरो हो जाएगी। तो तभी यहां मैंने यहां पे लिखा है माइनस एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन होगा। अब ये क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, वाटर तो यहां कांटेक्ट में रहेगा पिस्टन के, तो जो पिस्टन की वेलोसिटी रहती है वही वाटर की हम लेते हैं, तो वाटर में भी तो फर्क आएगा। अब देखते हैं ये फर्क के कारण। सबसे पहले हम ये फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, दोनों हाफ के बारे में हम देखेंगे कि वाटर कैसे अंदर जाएगा और बाहर आएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या रहता है, जब हम आगे जाएंगे और न्यूमेरिकली इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तब हमें ना वहां पे साइन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कि जो हमारा डिस्चार्ज होगा, एक जो अंदर का डिस्चार्ज होगा और एक जो हम दूसरी वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंस के बारे में बताएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही ले ली है कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा। ये हम इस वैल्यू को हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम डेरिवेशन करेंगे, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। अब जब वाटर, जो पिस्टन है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो जो वाटर कांटेक्ट में रहेगा वो भी क्या करेगा, शॉर्ट से खिंचाएगा, मतलब तुरंत एक्सेलरेट करेगा। तो उस समय क्या होगा, ये जो वाटर है ये कहां से आ रहा है, ये जो हमारा सक्शन पाइप है इसी से आ रहा है, ऊपर डिलीवरी पाइप के बारे में तो हम नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सक्शन पाइप से ही वाटर आ रहा है हमारा, तो ये वाटर भी क्या होगा, एक्सेलरेट होके आएगा। तो उससे क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, यहां पे मैंने क्या लिखा है, VWSP, मतलब वेलोसिटी वाटर की किसमें, सक्शन पाइप में, वो क्या हो जाएगी, मीन वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी। ये जो मीन वेलोसिटी हम यहां ले रहे हैं, इसको आगे जाके हम क्या करेंगे, वी बार से डिनोट करेंगे, इसको हम अपने डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। तो जब पिस्टन एक्सेलरेट करेगा तो वाटर कॉन्टेक्ट में क्या है, शॉर्ट से खिंचाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो सक्शन पाइप में वाटर की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, अचानक से ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा हो जाएगी किसके, जो मीन वेलोसिटी, मतलब एक जो नॉर्मल वेलोसिटी चलते रहनी चाहिए पंप में, उससे ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल वेलोसिटी मतलब वाटर आया, सग हुआ, सीधा डिलीवरी स्ट्रोक से ऊपर चले गया, उस वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये जो मीन वेलोसिटी है इसी से चीजें फ्लक्चुएट करेगी, एक स्ट्रोक में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एक स्ट्रोक में, आधे स्ट्रोक में मीन वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसी होगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वाटर की सक्शन पाइप में वो क्या हो जाएगी, कम, ज्यादा हो जाएगी किसके, मीन वेलोसिटी में। सक्शन स्ट्रोक का फर्स्ट हाफ देख रहे हैं, शर्ट से खींचेगा, वाटर तुरंत अंदर आएगा, तो जो मीन वेलोसिटी जो चल रही होगी उससे वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं, यदि वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्चार्ज सिलेंडर के अंदर जाएगा वो भी क्या चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली बात है Q = AV होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्चार्ज भी तो बढ़ेगा। तभी यहां पर मैंने लिखा है क्यू एंट्रिंग सिलेंडर ज्यादा होगा किसके, मीन डिस्चार्ज के, मतलब जो नॉर्मल डिस्चार्ज सिलेंडर में आता है, मगर नॉर्मल डिस्चार्ज जो सिलेंडर में आता है वो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, कम पड़ जाएगा, और ज्यादा डिस्चार्ज लगेगा उसमें। तो ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज क्या करेगा, एयर वेसल सप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो उसको हम एयर वेसल के अंदर भेज देंगे, ऐसा नहीं है, वो डिलीवरी स्ट्रोक में होता है। यहां पे क्या होता है, डिस्चार्ज की ज्यादा जरूरत रहती है तो वो यहां से जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें हमने ये नहीं देखा कि पहले भरा है कि नहीं भरा है, वो हम जब आगे पूरे चार केस देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी हम बात किए,
पॉजिटिव मिलेगा हमें डिस्चार्ज, पिस्टन क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा, जो वाटर की वेलोसिटी सक्शन पाइप में वो क्या हो जाएगी अचानक से ज़्यादा हो जाएगी मीन वेलोसिटी के, तो जो डिस्चार्ज जो है जो सिलेंडर के अंदर एंटर करता रहेगा वो भी क्या चाहिए रहेगा हमें ज़्यादा चाहिए रहेगा, तो वो डिस्चार्ज क्या करेगा हमें एयर वेसल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे मैंने लिखा है मीन डिस्चार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज रहेगा सप्लाइड बाई एयर वेसल, ये डिस्चार्ज क्या करेगा एयर वेसल सप्लाइड करेगा। अब हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं, हमने इतनी बात कर दी, अब हम इसकी बात करते हैं सेकेंड हाफ में क्या होगा, जब पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या करेगा डी एक्सेलरेट करेगा, तभी यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस ए, मैक्स वेलोसिटी से क्या हो जाएगी जीरो वेलोसिटी होगी पिस्टन की। तो इस हाफ में क्या होगा जो वेलोसिटी है वाटर की सक्शन पाइप में वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी किसके मीन वेलोसिटी पे, पहले केस में क्या हो रही थी बढ़ रही थी, इस केस में क्या हो जाएगी मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सक्शन और डिलीवरी, अभी सक्शन पाइप की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं, डिलीवरी पाइप में भी सेम ऐसी होगा VW से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो वाटर की वेलोसिटी अब देखते हैं, पहले तो तेजी से आया, अब सेकंड हाफ के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जब सेकंड हाफ में जब वो आएगा तो क्या करेगा डी एक्सेलरेट करेगा, मगर वाटर की वेलोसिटी क्या थी तेज थी, तो जो मीन वेलोसिटी है उससे क्या होगी वाटर की जो वेलोसिटी है सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप में वो क्या होगी कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब जो क्यू है जो डिस्चार्ज सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किसके मीन डिस्चार्ज के, मतलब जितना डिस्चार्ज चल रहा है पाइपलाइन में उससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब जो ये एक्सेस वाटर जो बचेगा ऑब्वियसली बात है सिलेंडर के अंदर हमें क्या चाहिए कम डिस्चार्ज चाहिए और मीन डिस्चार्ज हमारा क्या है अभी ज्यादा है, तो ये जो डिस्चार्ज बच रहा है इसको हम क्या करेंगे एयर वेसल में स्टोर्ड कर देंगे, इसके लिए अगले उसके लिए जब अगला फर्स्ट हाफ चलेगा उसके लिए, ठीक है। ये क्या हुआ ऐसा किसमें हुआ सक्शन स्ट्रोक में हुआ, अब हम बात करते हैं डिलीवरी स्ट्रोक में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान चीज है ये, इसको आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, सेम वैसी अब हम डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में देखते हैं तो आपको और चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या रहेगा पिस्टन कहां रहेगा अपनी इस पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, मतलब आउटर डेड सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। यदि हम एक और फायदे की बात करें एयर वेसल की तो वो ये भी रहता है कि इसमें क्या रहता है जैसे हम यहां पे एयर वेसल लगा दिए तो जो भी वेलोसिटी और डिस्चार्ज का दिक्कत होगा ना वो सिर्फ इतनी लेंथ में ही होगा, ये जो इतनी लेंथ है इतने में ही होगा, बाकी जो नीचे की जो पाइप की वेलोसिटी है ना वो क्या हो जाएगी मीन वेलोसिटी हो जाएगी, इसलिए तो उसको हम लगा रहे हैं ताकि जो भी फ्लक्चुएशन है प्रेशर का वो यहीं से यहीं खत्म हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि जो वेलोसिटी होगी वाटर की बिलो एयर वेसल वो क्या होगी पूरी मीन वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब एयर वेसल के नीचे जो भी वेलोसिटी होगी ये पूरी मीन वेलोसिटी होगी, डेरिवेशन में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीवरी स्ट्रोक की, तो डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होगा पिस्टन उधर से इधर मूव करेगा, मतलब क्या करेगा हम बोल सकते हैं पिस्टन पुश करेगा, तो सेम इसका भी जो फर्स्ट हाफ होगा वो इस तरफ आएगा और सेकंड हाफ इस तरफ रहेगा, सेम जैसे पिछले कंडीशन में फर्स्ट हाफ में वो एक्सेलरेट कर रहा था यहां पे भी क्या करेगा वो फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेट करेगा और सेकंड हाफ में क्या करेगा डी एक्सेलरेट करेगा। अब हम देखते हैं आधे फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, पिस्टन क्या किया एक्सेलरेट किया और पुश किया एकदम जोर से, तो क्या होगा अचानक से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेट कर रहा है तो वाटर की वेलोसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी, जो किसमें फ्लो हो रहा होगा डिलीवरी पाइप ऊपर में जो फ्लो हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब वो वेलोसिटी किससे बढ़ जाएगी मीन वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, जो नॉर्मल वेलोसिटी पाइपलाइन में चल रही है उससे क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो इस समय क्या होगा जब वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो जो वाटर का डिस्चार्ज है वो भी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो यहां से वो डिलीवर कर रहा होगा वाटर उसका डिस्चार्ज अचानक से मीन डिस्चार्ज से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब क्या है डिस्चार्ज ज्यादा है तो वो क्या करेगा यहां पे ये जो एक्सेस वाटर है इसको क्या करेगा एयर वेसल स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये वाला एकदम सिंपल है, इसको आप और आसानी समझ सकते हैं, सक्शन स्ट्रोक से ज्यादा सिंपल ये रहता है। सक्शन स्ट्रोक में जब यहां पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ज्यादा सिलेंडर मतलब डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए और वो क्या कर रहा है एयर वेसल प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, बल्कि ये सही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ वेलोसिटी वाटर की ज्यादा हो गई, पिस्टन एक्सेलरेट कर दिया, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो गई डिलीवरी पाइप में, तो डिस्चार्ज क्या हो गया ज्यादा हो गया। अब ये जो ज्यादा डिस्चार्ज है ये क्या करेगा ये वाला एयर वेसल स्टोर्ड कर लेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजर्वायर भी बोलते हैं एनर्जी का, जैसे यहां मैंने फर्स्ट में मेंशन किया है IR मतलब इंटरमीडिएट रिजर्वायर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ हमारा डिस्चार्ज ज्यादा हो गया, ये जो डिस्चार्ज क्या होगा स्टोर्ड हो जाएगा हमारे एयर वेसल में किसके लिए सेकंड हाफ के लिए। सेकंड हाफ में देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होगा, अब पिस्टन आधा रास्ता आ गया है, अब वो आधा हाफ में क्या करेगा डी एक्सेलरेट करेगा, तो जो मीन वेलोसिटी है वाटर की वो क्या होगी मतलब वाटर की जो वेलोसिटी है डिलीवरी पाइप में वो क्या होगी मीन वेलोसिटी से कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब जो पहले हाफ में जो वो डिस्चार्ज दिया था सेकेंड हाफ में क्या करने लग जाएगा वो कम डिस्चार्ज प्रोवाइड करने लग जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज क्या होगा हमें
एयर वेसल क्या करेगा, हमें सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये जो क्यू वाटर है ये वाला, ये क्या करेगा, हमें एयर वेसल सप्लाई कर देगा, सेम जैसे पहले में क्या हो रहा था, फर्स्ट हाफ में स्टोर्ड हो जा रहा, ठीक है। तो ये क्या है, मेन वर्किंग है। यदि हम साइंस के बारे में बात करें कि डिलीवरी स्ट्रोक में हमारा साइन क्या होगा, तो पहला वाला क्या रहता है, सेम वैसी पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, पॉजिटिव, और इसका क्या आता है, नेगेटिव। ये क्या रहेगा, दो डिस्चार्ज के बीच में डिफरेंस रहेगा, जो सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है और जो पाइप में है। इसको हम किसमें, डेरिवेशन में हम और अच्छे से देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये दोनों पंप जब एक रेसिप्रोकेटिंग पंप में लग जाता है तो उसका मेन डायग्राम कैसा होता है, और हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकली चीजों को डिराइव करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि एयर वेसल जब एक रेसिप्रोकेटिंग पंप में फिट हो जाती है तो उसका डायग्राम कैसा रहता है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्वेश्चन में बहुत बार पूछेगा कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालो। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, नॉर्मल विदाउट एयर वेसल वाले पंप्स में, उसमें भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें हम प्रेशर हेड कैलकुलेट करेंगे, किसकी मदद से, इंडिकेटर डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप विद एयर वेसल। एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम एयर वेसल के साथ फिट कर दिए हैं, ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं आप, मैंने वाटर का फ्लो पूरा भरा रखा हुआ है उसमें, ठीक है। इसलिए हमने देखा था कि जब भी हम एयर वेसल को फिट करेंगे तो क्या करते हैं, क्लोज फिट करते हैं, सिलेंडर के पास में फिट करते हैं। ऐसा क्यों, आप देख सकते हैं जितना पास में फिट किए उतनी लेंथ है LS और LD, ठीक है। ये क्या है, LS मतलब क्या है, लेंथ है सक्शन पाइप की, डैश वाली मतलब एयर वेसल और सिलेंडर के बीच की, और यहां पे क्या है, LD डैश, ये क्या है, लेंथ है एयर वेसल और सिलेंडर के बीच में ऊपर डिलीवरी पाइप में, डी मतलब डिलीवरी पाइप। तो जितना पास फिट करेंगे उतनी ये लेंथ छोटी होगी। उसके बाद जो एयर वेसल के बाद वाली जो लेंथ है, जो पूरी पाइप की है एयर वेसल के बाद, तो वो क्या है, पूरी LS, और यहां पे क्या है, LD एयर वेसल के बाद, मतलब LS मतलब सक्शन पाइप की लेंथ, और यहां पे LD मतलब डिलीवरी पाइप की लेंथ, जो एयर वेसल के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों लेंथ अलग अलग है, तो यहां पे मेन चीज क्या देखने डाल रहेगी, दोनों में हेड लॉस अलग अलग होगा। यहां पे होगा HFS होगा, 4FLV² फॉर्मूला रख देंगे। यहां वाले जो हेड लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, HF डैश, ठीक है, FS डैश, और यहां पे HFD डैश। ऊपर वाला LD के लिए क्या होगा, HFD होगा। सबका अलग अलग अपना क्या होगा, हेड लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण। क्यों, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। यहां की दो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती कम होते रहेगी, जैसे हमने अभी फर्स्ट हाफ और अपने सेकेंड हाफ में देखा, यहां की वेलोसिटी वेरी करती रहेगी। मगर एयर वेसल लगाने के कारण क्या होगा कि जो ये पूरी वेलोसिटी है एयर वेसल के बाद, ये क्या होगी, पूरी मीन वेलोसिटी हो जाएगी वॉटर की, एक नॉर्मल सिंपल वेलोसिटी हो जाएगी, जो ज्यादा स्विंग नहीं करेगी एयर वेसल लगाने के कारण। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, हेड लॉस इन फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करके देखेंगे, जब अपने वैल्यूज हम एक्सप्रेशन में पूरी वैल्यूज डालेंगे और इंडिकेटर डायग्राम में देखेंगे कि कैसे कम होता है, ठीक है। मेन और जो सेंटर से लेके स्वयं तक का हेड हमारा HS, जो नॉर्मल सेम सेंट्रिफ्यूगल पंप में भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, HD HS, मतलब सक्शन हेड डिलीवरी हेड, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हमारा मेन डायग्राम। इसकी वर्किंग हमने जस्ट अभी देखी कि ये कैसे वर्क करेगा, तो एयर वेसल के अंदर फ्लो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो मेन हमारा एक्सेलरेशन का इफेक्ट होता है, हमने अपने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा है कि पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, एक हेड सेटअप होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटिव हेड, ठीक है। वो क्या करता है, सिलेंडर के अंदर का हेड चेंज करता है। तो वो जो एक्सेलरेटिव हेड है उसका इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्व्ड इन LD डैश और LS डैश की लेंथ में ही होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है पिस्टन का, वो क्या होता है, सिर्फ ये लेंथ में ही एक्सपीरियंस होता है, इसी लेंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों, एयर वेसल लगा दिए इसलिए, वरना ये थोड़ा और आगे तक भी ऑब्जर्व किया जा सकता था, मगर एयर वेसल लगाने के कारण जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है वो इतनी लेंथ में होता है। पूछिए क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज वेरी करके एयर वेसल अपना फ्लो इन आउट करके क्या करता है, यहां पे मीन वेलोसिटी कर देता है। तो एयर वेसल लगाने के कारण ये लेंथ कम हो जाती, तो जितना पास लगाएंगे उतनी कम ये लेंथ रहेगी, उतना हमारा क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है कम लेंथ में आएगा, ठीक है। वैसे भी ये लेंथ क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, एयर वेसल फिट करने के कारण, जिसके कारण मैंने बोला बाय फिटिंग एयर वेसल क्लोज टू द सिलेंडर, जितना पास फिट करेंगे उतनी ये दोनों LS डैश और LD डैश कम होगी,
और एक्सेलरेशन का इफेक्ट पूरा उसी में आएगा और उस कम लेंथ में आएगा। अब यदि हम वाटर की वेलोसिटी की बात करें, VW मतलब क्या है, वाटर की वेलोसिटी इन LS एंड LD में, मतलब ये वाली लेंथ में यदि हम वाटर की वेलोसिटी की बात करें, तो मैंने बोला कि ये क्या हो जाएगी, मीन वेलोसिटी हो जाएगी वाटर की, ठीक है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, वी मीन या वी बार हम अपने डेरिवेशन में लेके चलेंगे, वी के ऊपर बार लगा के मीन वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें जो वेलोसिटी है वाटर की पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण, वो तो हम कैलकुलेट करके ही रखे हैं पहले में, हमें क्या मेन निकालना है कि ये मीन वेलोसिटी निकालनी है। मीन वेलोसिटी निकालते हैं, ये फ्रिक्शन हेड जो लॉस हो रहा है इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे सिलेंडर के अंदर प्रेशर हेड निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, मीन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब यदि मैं सबसे पहले बात करूंगा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, ठीक है, अभी हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात कर रहे हैं, डबल में भी देखेंगे हम, ठीक है। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज क्या होता है, ALN/60, यही होता है डिस्चार्ज। अब हमें क्या करना है, हमें मीन वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो Q क्या होता है, A into V निकालना है, तो क्या हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा A, यही होगा यदि हमें मीन वेलोसिटी निकालनी है तो। और ये जो A है ये क्या होगा, एरिया होगा, किसका, सक्शन पाइप का भी हो सकता है, डिलीवरी पाइप का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एरिया क्या डिनोट करता है, हमारा पाइप के अंदर का एरिया, हम यदि सिलेंडर के अंदर का एरिया लेते हैं तो कैपिटल ए से लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ALN60 और ये A। अब उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि ओमेगा क्या होता है, 2πN/60 होता है, ठीक है। यदि हम यहां से n की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 60 डिवाइड बाई 2π, ठीक है, ओमेगा इंटू 60 डिवाइड बाई 2π, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। और एक और चीज देखते हैं, जो हमारा L है, L इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होगा, 2 into R ही तो होता है, R क्या है हमारा क्रैंक रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू को पुट करते हैं, A, ठीक है, L क्या है हमारा 2R, ठीक है, डिवाइड बाई 60 और A रखा है, N की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, N क्या है हमारा ओमेगा 60 डिवाइड बाई 2π, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, AR बाई स्मॉल A इंटू ओमेगा बाई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा हमारा स्मॉल ए ओमेगा बाई, सॉरी 2 नहीं पाई आएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आ जाएगा हमारा पाई, ठीक है, ये वाला पाई जो बच के यहां पे आएगा। अब यही जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या देगा, हमें मीन वेलोसिटी की वैल्यू देगा, कि मीन वेलोसिटी कितनी है लेंथ LS और LD में, डैश वाली लेंथ में नहीं, एयर वेसल के आगे वाली लेंथ, ठीक है। तो ये चीज भी, ये एक्सप्रेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, हर जगह यूज करेंगे, जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे यही वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है। इसके पहले हम कौन सी वेलोसिटी लेते थे, A/A ओमेगा आर साइन थीटा वाली लेते थे, जो वेलोसिटी कहां से मिलती थी, पिस्टन की मिलती थी, मगर ये वेलोसिटी अलग होगी, ये एयर वेसल लगाने के बाद जो पाइप की लेंथ बचेगी उसमें फ्लूइड इस वेलोसिटी से फ्लो करेगा, एरिया किसी का भी हो सकता है, सक्शन और डिलीवरी पाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं एक और वेलोसिटी देखते हैं, क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप, ठीक है, ये क्या है निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी निकाल रहे हैं वाटर की सक्शन और डिलीवरी पाइप में, किसके कारण, किसके कारण निकाल रहे हैं हम, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। हम वॉटर की वेलोसिटी तो निकाल रहे हैं सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में, किसके कारण, पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो कहां की वेलोसिटी होगी, LS- और LD- लेंथ की होगी, क्यों, क्योंकि यहां की दो वेलोसिटी क्या है हमारी, वीन वेलोसिटी, जो हम क्या किए हैं कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये वेलोसिटी हम ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं अपने इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन में, ठीक है, और उसको हम कहा किससे डिनोट कर रहे थे, VP से डिनोट कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ वॉटर और पिस्टन की जो कॉन्टेक्ट में रहेगा एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, जो चेंज होगा। अब इसका एक्सप्रेशन हमने क्या डिराइव किया था, A/A ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक है, यही एक्सप्रेशन था इसका, देख लेते हैं
ए बाई ए आर ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। और बिल्कुल यहां पे जो थीटा था क्या था हमारा, ओमेगा टी था। तो ये जो वेलोसिटी होगी, अब ये जो वेलोसिटी है ये किस लेंथ के लिए होगी, ये जो वेलोसिटी है ये होगी लेंथ एल एस डैश के लिए और एल डी डैश के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए हुई, ऊपर के पास वाली यहां की दो वेलोसिटी, ठीक है, जो v a बाई ए से निकाले, और यहां पे तो दोनों में मीन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमने निकाली, ठीक है। अब हम देखते हैं पिस्टन के अंदर का प्रेशर हेड, ठीक है। हम क्या बात करेंगे, डिलीवरी स्ट्रोक को पहले मान के हम क्या करते हैं, अपना प्रेशर हेड निकाल लेते, ठीक है। और प्रेशर हेड हम कब कब कंडीशन में निकालेंगे, जीरो डिग्री में, सिलेंडर के 90 डिग्री में और 180 डिग्री में, तीन कंडीशन में हम प्रेशर हेड निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा किसके, सक्शन स्ट्रोक के भी सेम होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे आप एरिया लेते हैं सक्शन स्ट्रोक का, तो वहां एरिया लेना है डिलीवरी स्ट्रोक का। तो हम क्या करेंगे, एक का एक्सप्रेशन देखेंगे, बाकी वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालते हैं, किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का, जिसमें एयर वेसल अटैच रहेगी। तो अभी तक हमने दो चीज देखी, वेलोसिटी वाटर की निकाल ली, वी मीन वेलोसिटी जो एल एस और एल डी लेंथ में फ्लो होगी, मतलब एयर वेसल के बाद वाली लेंथ में, और एयर वेसल और सिलेंडर के बीच में जो छोटी लेंथ होगी एल डैश डी और एल डैश एस, उसमें कौन सी वेलोसिटी होगी, वाटर की वेलोसिटी ए बाई ए, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मैंने इंडिकेटर डायग्राम बनाया उसको मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे बना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हेड सेटअप होगा उसको हम लिख लेते हैं, कि यदि हम प्रेशर हेड निकाल रहे तो हमें सारे हेड्स के बारे में पता होना चाहिए जो सिलेंडर के अंदर सेटअप हो रहे हैं। तो पहला हेड कौन सा होगा, एच ए डी, ठीक है। ये किस में निकाल रहे हैं, हम डिलीवरी स्ट्रोक में निकाल रहे हैं अपना प्रेशर हेड, ठीक है। तो एच ए डी होगा, मतलब ये क्या होता है, एक्सेलरेटिव हेड, जो डिलीवरी डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होता है, सेटअप होता है, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्रेशन देख चुके हैं। और इसका हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, एल बाई जी एल डी लेंथ होगी किसकी, डिलीवरी पाइप की, बाई जी इंटू ए बाई ए डी। ये ए क्या होगा, एरिया होता है सिलेंडर का, ए डी क्या होता है, एरिया होता है डिलीवरी पाइप का, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है। यही होता है हमारे एक्सेलरेटिव हेड की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, एच एफ डी डैश निकाल लेते हैं। ये क्या है, हेड लॉस है फ्रिक्शन में, ठीक है, एच एफ डी डैश, ठीक है, हेड लॉस है फ्रिक्शन में डिलीवरी पाइप में, और लेंथ कौन सी लेंथ में है, एल डी डैश लेंथ में, मतलब वो लेंथ जो सिलेंडर और एयर वेसल के बीच की जो छोटी लेंथ थी उसके उसके अंदर का हम क्या निकाल रहे हैं, हेड लॉस निकाल रहे हैं फ्रिक्शन में, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोर एफ एल, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगी, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी होगी छोटी वाली लेंथ में, एल डी डैश लेंथ में। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, वीपी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी डी, ठीक है। अब देखते हैं नोटेशन, ये जो डी है, चलिए इसको स्मॉल ले लेते हैं हम, डी और डी डिलीवरी पाइप का ही डायमीटर होगा, दोनों लेंथ में सेम होगा। और जो 4FL जो लेते हैं हम लेंथ, ये लेंथ कौन सी होगी बताए, एल डी डैश लेंथ होगी, क्योंकि हम छोटी लेंथ के बारे में फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, ये फॉर्म क्या बनेगा, 4FLD डैश स्मॉल लेंथ है डिवाइड बाई 2GDD, ठीक है, डायमीटर किसका, डिलीवरी पाइप का। अब वेलोसिटी की वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा, ए बाई ए, कौन सी वाली वैल्यू, ये ओमेगा आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी हमारी वेलोसिटी हो जाएगी एल डैश डी लेंथ के लिए, ठीक है, मतलब स्मॉल लेंथ के लिए होगा, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो तो पैराबोलिक वेरी कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर है थीटा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और हम फ्रिक्शन लॉस देख लेते हैं, वो क्या होगा, एच एफ डी, कैसे, ये जो निकाले हैं फ्रिक्शन लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस इन फ्रिक्शन, ये किस लेंथ के लिए, एल डैश, दोनों लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, एन डैश वाले लेंथ के लिए, मतलब जो छोटी लेंथ है उनके लिए, जो एयर वेसल के पास की लेंथ है सिलेंडर से। अभी जो हम ये फ्रिक्शन लॉस निकाल रहे हैं ये क्या होगा, मेन लेंथ के लिए होगा, जो एयर वेसल के बाद जो पाइप है उसकी लेंथ। तो सेम इसका भी फॉर्मूला यही होगा, 4FLV² / 2GD, ठीक है। देखते हैं 4F, यहां पे कौन सी लेंथ होगी, एल डी लेंथ बस होगी, ठीक है, क्योंकि एल डी डैश वाली लेंथ नहीं होगी यहां, डिवाइड बाई 2G डायमीटर किसका, डिलीवरी पाइप का। अब हम यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू डालते हैं,
तो एयर वेसल के बाद जो पाइप है उसमें वाटर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? मीन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो यहां पे क्या आएगी? मीन वेलोसिटी ए आर बाई ए इंटू ओमेगा बाई पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस लेंथ के लिए है? ये जो हेड लॉस इन फ्रिक्शन है ये लेंथ है एल एस एंड एल डी डैश, नहीं सिर्फ एल एस और एल डी लेंथ के लिए, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा। और ये वाला जो हेड लॉस है ये किसके लिए है? एल डैश एस और एल डी डैश लेंथ के लिए है। तो अब आप ये एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या है, वेरी नहीं कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे यहां पे हमें दिख रहा था पैराबोलिक रहेगा, यहां पे नहीं रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है थीटा के। मतलब जो हमारा एच एफ डी है, देख सकते हैं आप, थीटा की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो क्रैंक के रोटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तभी यहां पे इंडिकेटर डायग्राम मैंने यहां बनाया। अब आप देख सकते हैं इंडिकेटर डायग्राम में पहले जो फ्रिक्शन हेड था वो क्या कर रहा था? पैराबोलिक वेरी कर रहा था, तो यहां पे क्या हो रहा था? पैराबोला बन रहा था। मगर अब तो वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा एच एफ डी कब? जब हम एयर वेसल लगा लिए। तो ये क्या है? हमारा इंडिकेटर डायग्राम रहेगा जब हमने क्या किया, एयर वेसल लगा लिया। ये पहले था नॉर्मल इंडिकेटर डायग्राम जिसमें एयर वेसल नहीं लगा था, अब हमारा इंडिकेटर डायग्राम बनता है ये। तो ये क्या बन रहा है? जो हमारा हेड लॉस है वो क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से कि थीटा के क्या है वो, थीटा से क्या है? इंडिपेंडेंट है, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब ये जो एच ए डी है, ये जो एक्सेलरेटिव हेड का भी जो इफेक्ट है, ये भी तो कम लेंथ के लिए हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम लेंथ में होगा। ठीक है, तो आप इंडिकेटर डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला क्या है? विदाउट एयर वेसल, और ये वाला इंडिकेटर डायग्राम क्या है? विथ एयर वेसल वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम ये इसी पोजीशन पे सही तरीके से समझा जा सकता है जब हम इसका एक्सप्रेशन देख ले, क्योंकि यहां हमें दिखता था पैराबोलिक वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये तीन चीज हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? प्रेशर हेड निकाल लेंगे सिलेंडर का अलग अलग कंडीशन में, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये 3 डिग्री में ही तो अपने को जानने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे तीनों कंडीशन के लिए लिख दिया है सब। चलिए हम निकालते हैं, फर्स्ट कंडीशन के निकालते हैं। जब थीटा क्या होगा? हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तो बाकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 तो 0 ही होता है। तो यहां पे अब हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर हेड किसके अंदर का? सिलेंडर के अंदर का। अब क्या है, ये जो टोटल प्रेशर हेड है इसको हमें निकालना पड़ सकता है। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको पूछ देगा कि सिलेंडर के अंदर का टोटल प्रेशर हेड निकालिए, तो पूछता ही है और आएंगे ही वैसे न्यूमेरिकल। तो ये चीज क्या आएगी? हमें काम आएगी, क्योंकि हम नॉर्मल पंप का भी प्रेशर हेड निकालते हैं, तो इसका तो निकालने देगा ही वो आपको। ठीक है, मगर इसका एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मगर बहुत ईजी चीज है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं, टोटल प्रेशर हेड निकाल रहे हैं हम डिलीवरी स्ट्रोक में, निकाल रहे हैं डिलीवरी स्ट्रोक में, निकाल रहे सक्शन स्ट्रोक में भी निकाले तो भी वही होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन वही होगा, बस एल लेंथ अलग हो जाएगी, एरियाज अलग हो जाएंगे। तो सारा हेड देखते हैं क्या क्या हेड सेटअप होगा। एक तो एच डी होगा। ठीक है, ये क्या है? डिलीवरी हेड, ये तो हेड होगा ही पिस्टन के अंदर, ऊपर पहुंचाना भी तो है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एच ए डी एक्सेलरेटिव हेड सेटअप होगा। ठीक है, एच एफ डी, ठीक है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन भी होगा, और एच एफ डी डैश, ये बड़ी लेन के लिए, ये छोटी वाली लेन के लिए, जो एयर वेसल के सिलेंडर से पास में जो छोटी लेन। ठीक है, ये चार चीज सेटअप हुई, और एक और फिफ्थ चीज सेटअप होगी, क्या? वेलोसिटी हेड भी तो रहेगा, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी हेड मतलब वी डी स्क्वायर बाई 2g, यही होता है हमारा वेलोसिटी हेड। जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है डिलीवरी पाइप में, वो भी तो हमारा टोटल प्रेशर हेड के अंदर ही आएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वीडी को क्या लिख सकते हैं? हम वी बार लिख सकते हैं, वी बार, वीडी स्क्वायर बाई 2g, वी बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एल डी और एल एस लेंथ है उसमें क्या हो रहा है? वाटर मीन वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, मतलब एयर वेसल की बाद की वेलोसिटी। तो ये क्या होगा हमारा? वी बार स्क्वायर बाई 2g। ये पांच हेड सेटअप होंगे किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। इन सब की हम वैल्यू डालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए डालते हैं। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले एच डी होगा हमारा, एच डी तो नॉर्मल वैसे ही रहेगा, इसका तो डिस्टेंस हमें दिया रहेगा। ठीक है, प्लस एच ए डी देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटिव हेड 0 डिग्री में, 0 डिग्री में क्या होगा? कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्सेलरेटिव हेड का एक्सप्रेशन ये है हमारा। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचेगा? सिर्फ इतना टर्म बचेगा, एल डी जी बाई ए बाई ए डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं, एल डी बाई जी इंटू ए बाई ए
ओमेगा स्क्वायर आर भी रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये हमारे एक्सेलरेटिव हेड की वैल्यू हो गई। प्लस अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकालते हैं एच एफ डी, बड़ी वाली लेंथ में हम निकाल रहे हैं एच एफ डी, हेड लॉस इन फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ये तो थीटा का वेरी नहीं करता, तो मतलब पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको अभी हम ये दोनों निकाल लिए, ये निकाल रहे हैं। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका, 4f है ना, लेंथ देखते हैं, लेंथ कौन सी होगी, एल डी होगी, डैश वाली लेंथ नहीं आएगी यहां, बाई 2g डी, डायमीटर किसका, डिलीवरी पाइप का, इसलिए डी डी लिख रहा हूं, ब्रैकेट में क्या है, ए बाई आर बाई ए इंटू ओमेगा बाई पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमने कैलकुलेट किया। एक्सप्रेशन थोड़े बड़े बनते हैं, मगर यदि आप समझे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा, एच एफ डी की वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है, जो बड़ी वाली पाइप में हो रहा है, मीन वेलोसिटी जिसमें फ्लो हो रहा है। अब हमें एक और वैल्यू डालना है, ये वाली एच एफ डी डैश की वैल्यू, ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। एच एफ डी डैश की वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू है, ठीक है, किसमें देख रहे हैं हम, थीटा जीरो डिग्री में देख रहे हैं, ठीक है, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब एच एफ डी डैश की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो होगी, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली एच एफ डी डैश, ये क्या हो जाएगी, जीरो। प्लस अब देखते हैं वी बार स्क्वायर बाई टू जी, वी बार का तो एक्सप्रेशन हमें पता ही है, हमने निकाला है डिस्चार्ज वाले से, क्या ए बाई आर ए बाई ओमेगा बाई पाई, जैसे सेम अभी हमने वहां पे भी लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हो जाएगा ए आर बाई ए इंटू ओमेगा बाई पाई, ठीक है, स्क्वायर तो है ही क्योंकि यहां वी स्क्वायर है और इंटू वन बाई टू जी, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारा, पूरा सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड का एक्सप्रेशन बन जाएगा पूरा, ये किस कंडीशन के लिए, जब थीटा जीरो डिग्री है तब के लिए, मतलब स्टार्टिंग में, किसमें, डिलीवरी स्ट्रोक में। सेम यदि आप यदि सक्शन स्ट्रोक में निकालना चाहें तो एल डी डी के बदले क्या हो जाएगा, पूरा एस हो जाएगा, एक्सप्रेशन पूरा यही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन के लिए निकालते हैं हम, किसके लिए, जब थीटा क्या होगा हमारा, बीच में होगा। ये सेटअप याद, ये हेड निकालना आपको समझ में अच्छे से आते रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं एयर वेसल का। यही बस एक चीज होती है जिसके एक्सप्रेशन बड़े होते हैं तो लोग थोड़ा सा दर्द मानते हैं इसको याद करने में, मगर आप समझ के इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं, बाकी सब चीज तो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अपना एक्सप्रेशन एकदम सही आएगा, एल डी बाई जी ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर आर, फोर एफ एल डी बाई टू जी डी ए बाई आर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी बार स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन के लिए निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं हम अपना टोटल प्रेशर हेड, ठीक है। टोटल प्रेशर हेड किसके अंदर का निकाल रहे हैं हम, सिलेंडर का निकाल रहे हैं, कब, जब हमारा क्या है थीटा क्या है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज लिखते हैं हम, सेम जैसे हमने पिछले में वैल्यूज डाली वैसी क्या होगा, यही जो हमारा एक्सप्रेशन है यही होगा, ठीक है, इसी चीज की वैल्यू डालेंगे और बस हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल अलग लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो चलिए पूरा एक्सप्रेशन सीधा डालते हैं, सबसे पहले क्या होगा, एक एच डी होगा, ठीक है, डायनामिक हेड तो होगा ही, फिर उसके बाद क्या है, एच ए डी है 90 डिग्री के लिए, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, इसका मतलब जो एक्सेलरेटिव हेड है बीच में क्या हो जाएगा, ये एच ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, जीरो। प्लस अब दूसरा देखते हैं हम, एच एफ डी, एच एफ डी निकालना है बड़ी लेंथ के लिए हेड लॉस इन फ्रिक्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एच एफ डी, ये देखिए, ठीक है, अपनी मीन वेलोसिटी से फ्लो करेगा, चलिए उसको भी लिख देते हैं एच एफ डी। सेकेंड चीज हमें क्या निकालनी है, एच एफ डी, ठीक है, लिख लेते हैं उसको भी, 4f l d डैश बाई 2g d d डैश, और किससे वेलोसिटी फ्लो कर रहा है, मीन वेलोसिटी से, इंटू ओमेगा बाई पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, एच एफ डी की वैल्यू, अब हमें पुट कर रहे हैं एच एफ डी डैश की वैल्यू, ठीक है, एच एफ डी डैश की वैल्यू देखते हैं किसमें देख रहे हैं हम, 90 डिग्री में देख रहे हैं, तो एच एफ डी डैश की वैल्यू देखते हैं हम ये, ठीक है, साइन 90 में क्या हो जाएगी, वैल्यू 1, इसी में तो 1 होता है, तो बस ये 1 रहेगा, मतलब बाकी पूरी टर्म रहेगी, लेंथ कौन सी आएगी, एल डैश वाली आएगी, तो क्या हो जाएगा, 4f एल डी डैश बाई 2g डी डी, ठीक है, डायमीटर
सक्शन डिलीवरी पाइप का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई ए ओमेगा आर का स्क्वायर। सही लिखे हैं अपन, देखते हैं, ए बाई ए ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा एक बच रहा है, ये एच एफ डी डैश भी डाल दिया, अब बस ये वाली वैल्यू बच रही हमारी, वी बार स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, सेम इसका एक्सप्रेशन हम यहां से डाल सकते हैं, यही तो होगी वी मीन वेलोसिटी, यही तो है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक और प्रेशर हेड निकालने का एक्सप्रेशन। सेम ऐसी हम क्या कर सकते हैं, अपने लास्ट वाले में भी देख सकते हैं, 180 डिग्री वाली कंडीशन में भी, कि प्रेशर हेड कैसे होगा सिलेंडर में। मतलब यदि आपको जब क्वेश्चन में पूछेगा तो वो आपको ऐसे ही बोलेगा कि बिगिनिंग में निकालो प्रेशर हेड, एंड में निकालो, मिड में निकालो। अब यहां पे हम देखते हैं, टोटल प्रेशर हेड क्या होगा। ठीक है, सेम क्या करते हैं, सारी चीजों को रखते हुए चलते हैं, एच डी तो रहेगा ही, प्लस देखते हैं और एक कौन सी वैल्यू आएगी। अब सेकंड क्या है, एच ए डी। ठीक है, किसमें देख रहे हैं हम, 180 डिग्री में देख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 180 डिग्री में क्या होता है, एक्सेलरेटिव हेड माइनस हो जाता है, मतलब ये क्या होगा, माइनस वन हो जाएगी, मतलब ये पूरी वैल्यू और माइनस वन, लिख लेते हैं उसको भी, एल डी बाई जी इंटू, अब ये क्या होगी, बीच में माइनस वैल्यू हो जाएगी माइनस, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, माइनस हो जाता है। अब देखते हैं प्लस अगली वैल्यू, अगली वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, एच एफ डी 180 डिग्री में। ठीक है, एच एफ डी 180 डिग्री में हम निकालेंगे, साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एच एफ डी का एक्सप्रेशन, ये वाला है, यहां पे क्या है, ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी आ जाएगी वहां। चलिए लिख लेते हैं, 4f l d वाली लेंथ रहेगी, डैश वाली नहीं रहेगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, hfd निकाल रहे हैं, fd डैश नहीं निकाल रहे, 2g dd ब्रैकेट में ar by a into omega by pi का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली एक टर्म आई, प्लस अब हम क्या निकाल रहे हैं, fd डैश निकाल रहे हैं, fd डैश किसमें, साइन 180 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो डिपेंड करता है, हमें पता है डैश वाला, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, पूरी जीरो हो जाएगी, hfd डैश कब, जब 180 डिग्री में होगा, तो ये वाली टर्म भी हो गई जीरो। कितनी टर्म हो गई, एक दो तीन चार, और दूसरी क्या होती है, वी बार स्क्वायर बाई टू जी, ये होता है हमारा पूरा एक्सप्रेशन, सबको जोड़ेंगे तो ऐसे क्या निकल जाएगा हमारा, प्रेशर हेड निकल जाएगा किसके, सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, बाकी सबको देख लेते हैं, एक्सप्रेशन सही आया है अपना। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू इसमें बोलता है कि स्मॉल है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे एल डी डैश वाली लेंथ को बोल सकते हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, मगर जब न्यूमेरिकल्स में पूछता है तो आपको पूरी वैल्यू डाल के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ, हम अपना प्रेशर हेड देखे, अब हम जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम वर्क डन के बारे में बात करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप विद एयर वेसल के बारे में, जिसमें हमारा कैसे वर्क सेव होता है, डिस्चार्ज कैसे हमारा डिफरेंस जो निकलता है वो कैसे होता है, और पावर रिक्वायर्ड कैसे सेव होती है, इस चीज के बारे में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।